दिल को अंदर तक हिला देने वाली और बाढ़ के मंजर को बयां करने वाली ये तस्वीरें मुंबई से सटे ठाणे की हैं, जहां लगातार हो रही बारिश ने पूरे शहर को नदी में तब्दील कर दिया है। पानी घरों तक पहुंच गया है। एक माँ अपने बच्चे को लेकर पानी तरसती निगाहों से देख रही है। बस हो या कार, दुकान हो या मकान, जो जहां है वहीं ठहर गए हैं। गलियों में कमर कमर तक पानी भरा है, जिसमें एक बच्चा गुजर रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं लोग किस तरह जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन बारिश में सबसे बदतर हालात माया नगरी मुंबई की है, क्योंकि यहां थोड़ी सी भी बारिश होती है मुंबई वासियों की सांस अटकने लगती है। ये तस्वीर अंधेरी मुंबई के सबवे की है, जहां बीती रात इतनी बारिश हुई कि ये पूरी तरह से भर गया। आपको बता दें कि मुंबई रात भर चलती है और ये मुंबई का सबसे व्यस्ततम इलाका है। ऐसे में कोई जान हानि न हो, प्रशासन तुरंत एक्शन में आ गया। ये तस्वीर रविवार सुबह 5 बजे की है, जब पुलिस वाले लोगों को आगे जाने से रोक रहे हैं। क्योंकि पानी का बहाव बता रहा है कि आगे जाने में बड़ा खतरा हो सकता है। हालांकि अब सबवे का पानी निकल चुका है, यातायात जारी है, लेकिन मुंबई में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट लगातार जारी है। पुणे में भी लगातार बारिश से जगह जगह पानी भर गया है। दरअसल वक्त रहते प्रशासन पानी निकासी की कोई व्यवस्था करता ही नहीं है, और जब बारिश आती है नाले चोक हो जाते हैं और फिर पूरे शहर में पानी भर जाता है। बाढ़ से भारत ही नहीं, नेपाल और चीन भी त्रस्त है। ये तस्वीर चीन के दक्षिणी हिस्से की है, जो देखने में किसी पेंटिंग के जैसा लगता है, लेकिन असल में ये चीन पर कुदरत का वो अटैक है, जिसकी मार ने चीन की दिशा और दशा खराब कर दी है। दरअसल चीन के दक्षिणी क्षेत्र में भीषण बाढ़ और भूस्खलन ने जमकर तबाही मचाई है। चीन के वुहान, यिचांग, जिंगमेन, जियाओगन को मिलाकर 11 से ज्यादा शहर बाढ़ में डूब चुके हैं। लोगों को वक्त पर मदद नहीं मिल पा रही है, सैकड़ों घर पानी में डूब गए हैं, कई लोगों की मौत भी हुई है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.